नमस्कार, प्रणाम। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा जमाकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, सहारा भुगतान को लेकर एक और नया आदेश जारी हो चुका है। आप सभी को हम ऑन स्क्रीन दिखाने वाले हैं। आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के तहत किसी भी सोसाइटी में फंसा हुआ है, तो आप लोगों को अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त का महीना समापन की ओर है और हम लोगों का भुगतान सितंबर माह से होने के संकेत ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं। लगातार आप लोग भी इधर से उधर नई से नई खबरें देख रहे हैं, इस खबर को भी देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं, इसको रीड करते हैं। एक नोटिफिकेशन है, सहारा इंडिया रिफंड न्यू अपडेट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नवीनतम लेख में। सहारा इंडिया को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्तमान समय में सहारा इंडिया का मामला काफ़ी तेज़ी से पूरे भारत देश में फैल रहा है, क्योंकि चुनाव से पूर्व सरकार की ओर से लेकर बताया गया था कि जैसे ही सरकार सत्ता में वापस आती है, सहारा इंडिया के सभी निवेशकों को 300 करोड़ से भी अधिक का पैसा रिफंड किया जाएगा। वर्तमान में अभी तक इससे संबंधित कोई भी अधिकारी की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब संभावना है कि जल्द से जल्द सभी नागरिकों को उनका पैसा वापस मिलने वाला है। यानी कि चुनाव से पूर्व जो चर्चाएं की गई थी भुगतान को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोगों का भुगतान बहुत ही जल्द से जल्द मिलने वाला है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट खबर पढ़िएगा, ये है इम्पोर्टेंट खबर। क्या लिखा हुआ है? निर्मला सीतारमण ने क्या कहा सहारा को लेकर। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले भी देखा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सभी सहारा जमाकर्ताओं के द्वारा किस प्रकार से घेरा गया था। अब देखते हैं इसमें उन्होंने क्या बयान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आधिकारिक जानकारी में बताया है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी, एवं उन्होंने आगे बताया कि सहारा इंडिया रॉयल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग और सहारा इंडिया कॉरपोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या 3.7 करोड़ के आसपास की मौजूद है। जो सहारा इंडिया कॉरपोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या है 3.7 करोड़ के आसपास है, एवं 3 सार्वजनिक अपील के पश्चात नागरिकों को रिफंड क्लेम करने का अवसर दिया जाएगा, उन सभी निवेशकों का पैसा रिफंड हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है सार्वजनिक अपील के पश्चात जो सभी लोगों के द्वारा अपील की गई है, नागरिकों को रिफंड करने का क्लेम का अवसर दिया जाएगा और उन सभी निवेशकों का पैसा रिफंड किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिटायर्ड जस्टिस बीएन अग्रवाल, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं जस्टिस, यानी कि न्यायाधीश कौन है, बीएन अग्रवाल, कमेटी हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि 138.07 करोड़ रुपए क्लेम पूरे हो चुके हैं और 25,781 करोड़ रुपए का रिफंड बचा हुआ है। जल्द ही आगामी समय में सारी कंपनियों से संबंधित 18 संपत्तियां अटैच करी गई थी और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाए जाने के बाद क्लेम देने के लिए फंड की डिमांड करी गई है। सहारा संबंधित जानकारी में पता चला है कि 1.21 करोड़ क्लेम आए हैं, 374 करोड़ रुपए क्लेम के रिलीज कर दिए गए थे और इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। 1.21 करोड़ क्लेम आए हैं और 374 करोड़ रुपए क्लेम के रिलीज कर दिए गए थे और इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों, ये बयान निर्मला सीतारमण ने सहारा भुगतान को लेकर सभी निवेशकों को दिया है।
हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि सहारा का भुगतान जब तक 3, 4, 5 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस लिस्टेड है, काफ़ी दिनों से केस फंसा हुआ पड़ा है, सहारा और सेबी का जो मुख्य केस है, उस केस की जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक भुगतान को लेकर कोई भी आगे चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बयान दिया है, ये भी इनकी भी बात सही है, जो भी कुछ भी कहा है बात सही है। हालांकि जो हम लोगों का भुगतान इतने दिन से फंसा हुआ पड़ा है, ये भुगतान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रुका पड़ा है कि जो सहारा और सेबी का मुख्य केस है, इस केस का अगर डिसीजन अच्छे से आ जाता है, यानी कि निवेशकों के पक्ष में आ जाता है और पक्ष में ये आ जाता है कि निवेशकों का भुगतान सहारा के ऑफिस से किया जाना चाहिए, और लगभग लगभग 90% जो है चांस यही लग रहे हैं कि इस बार जो डिसीजन आएगा वो सहारा के पीड़ितों के पक्ष में आएगा। इसमें कई संगठन मिलकर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान, जिसमें नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी का काफ़ी बड़ा रोल है, और वही देखा जाए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल जी हैं, सतीश कुमार चतुर्वेदी जी हैं, तथा अदर भी संगठन के कार्यकर्ता हैं। 12 से 13 करोड़ सहारा के जमा करता है, तमाम 12-13 लाख एजेंट्स हैं, सभी लोग लगातार भुगतान को लेकर अपना अपना दमखम दिखाए हुए हैं। पूरे भारत देश में सहारा का जो मामला चल रहा है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और ये मामला कोई छोटा मोटा मामला भी नहीं है, काफ़ी तगड़ा मामला है, क्योंकि 12 से 13 करोड़ निवेशकों का जो पैसा इसमें फंसा हुआ पड़ा है, ये पैसा कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, काफ़ी संख्या में लोगों का पैसा फंसा हुआ पड़ा है। खैर, हम लोगों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, न घबराने की ज़रूरत है, बहुत ही जल्द हम लोगों का भुगतान सहारा के ऑफिस से मिलने वाला है। वैसे आप लोगों की क्या राय है कि भुगतान जो है सहारा के ऑफिस से ही मिलना चाहिए या पोर्टल के माध्यम से, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। इसी के साथ हम अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।